अब सबसे बड़ा सवाल, कब होगा ग्रुप डी का एग्जाम? इसके लिए आगे हमें क्या करना है? तो जी हाँ, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं अनुराग दीक्षित आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही होगी। देखिए, जैसे जैसे NTPC CBT 2 का लेवल 2 और 3 5 एग्जाम जो है वो खत्म हो रहा है, आज 16 तारीख हो गई, 17 यानी कल ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे CBT 2 के लिए, लेवल 2, 3 और 5, 4 और 6 का पहले ही हो चुका है। तो अब जो बारी आ रही है वो आ रही है ग्रुप डी की। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मैं आपको इसी चैनल पर पाठशाला रेलवे एग्जाम पर बहुत ही जल्दी मैथ्स की क्लासेस लेने वाला हूँ, हूबहू उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर रेलवे आपसे पूछता है, और सारे के सारे सवालों का, सारे के सारे कंटेंट का रिलेवेंस रेलवे के एग्जाम पैटर्न के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ होगा। अब बारी ये आती है कि सर ये एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट अनाउंसमेंट होने के बाद, मुझे जहां तक लग रहा है और जो सोर्सेस के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त तक इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जुलाई या अगस्त तक इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अब देखिए, जरा एक और मुद्दे की बात को समझना है आपको। अभी देखिए, गवर्नमेंट ने अगले 18 महीने में 10 लाख रोजगार देने की बात कही है, तो उसमें एक रेलवे डिपार्टमेंट भी ऐसा होगा जिसमें रोजगार के नए अवसर बनेंगे। तो रोजगार के नए अवसर अगर रेलवे डिपार्टमेंट में बनेंगे जो कि अगले 18 महीनों में भरे जाएंगे, तो अब जो नए बच्चे जो कि इस बार चूक गए हैं या फिर किसी भी कारणवश वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। सुनहरा अवसर का मतलब वाकई में बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर होने वाला है, और इस सुनहरे अवसर को भुनाने के लिए आपके पास सरकार के हिसाब से 18 महीने हैं, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, और आप तैयारी करते रहिए। और इसकी क्लासेस को बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा ग्रुप डी के लिए, पूरी की पूरी क्लासेस, पूरा मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अच्छा, अभी जो NTPC के एग्जाम हुए हैं उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो क्लासेस मैंने ली हैं, जिसके थंबनेल आप देख रहे हो, जो मॉक टेस्ट लिए हैं, 16 मॉक मैंने पढ़ाए हैं, और 16 मॉक में लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन कराए, 450 से 500 के बीच में। तो इन जो ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीनशॉट फ्लैश हो रहे हैं, ये बच्चों के द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट हैं। एक एक करके धीमे धीमे आप इनको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि कोई बच्चा अजमेर से है, कोई बच्चा जयपुर से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, जिन्होंने ये अपने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किए हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। और इन्होंने ये बताया है कि सर आपके इस वीडियोस के कारण, मात्र 16 वीडियो क्लासेस जो थी, मात्र 16, इन वीडियोस के कारण उनका जो एक्यूरेसी परसेंट गया है वो 96% से लेकर 100% तक एक्यूरेसी रेट गया। और साथ ही साथ देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लासेस के माध्यम से, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बच्चों की ही मदद करूँगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का प्यार, बच्चों का रुझान, बच्चों का जुड़ाव होता जा रहा है, तो मुझे लगता है नहीं भाई, अब ये मदद मुझे आगे बढ़कर करनी होगी चाहे जैसे हो। और इसके लिए मैं आपसे कोई फीस तो चार्ज करता नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, ये YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये स्क्रीनशॉट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्यता सत्य है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस को देख लीजिए, जिस प्रकार का रिजल्ट मेरी NTPC की, जो स्पेशल NTPC के लिए बैच मैंने शुरू किया था 16 क्लासेस का है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, बल्कि आप ये समझ सकते हो कि अगर इनका रिजल्ट इतना अच्छा है तो ग्रुप डी के लिए भी ये रिजल्ट जो होगा वो इसी तरीके से अच्छे पर जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा सकूं कि आप 95 से 100% मैथ का जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी इतनी हो, एक्यूरेसी 95 से 100% के बीच हो। मैं तो ये चाहूंगा कि फुल 100% हो, लेकिन कभी कुछ गलतियों के कारण बच्चा 95 तक आ जाता है, एक आध सवाल गलत हो जाता है। तो बस इसमें आप लोग अभी से जुट जाइए कि आपके एग्जाम को जुलाई या अगस्त में होना तय है, जो कि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से खबर मिलती है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन क्लासेस का भी आनंद लेंगे और आगे आने वाली क्लासेस में माई पाठशाला पर अनुराग दीक्षित यानी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इतने प्यार के लिए।